आप देख रहे हैं TNB। विश्व भर के साइंटिस्ट रोजाना कई नए रिसर्च करते हैं। वो रिसर्च कई सारे जानवरों पर भी होते हैं और इंसानों पर भी, और इंसानों में होने वाले बीमारियों पर भी। एक ऐसा ही एक नया रिसर्च सामने आया है जो ग्लोबल वार्मिंग पर किया गया है और जिसका फायदा भी है और इंसानों पर नुकसान भी। आपको बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान होता है, ये तो सभी को पता है, लेकिन इससे एक बड़ा फायदा भी है। इससे दुनिया को वो बड़ी बीमारी कम हो सकती है या फिर रुक सकती है, और भी ऐसे कई सारे सवाल। इस बीमारी से हर साल करीब 39 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं। 5 लाख लोग की आबादी गंभीर रूप से बीमार होते हैं। हर साल 25,000 लोगों की मौतें हो रही हैं और इस बीमारी का नाम है डेंगू। एक नई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ग्लोबल वार्मिंग डेंगू को सीमित कर सकता है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी विभाग की प्रोफेसर एलिजाबेथ मैकड्रॉ ने बताया कि डेंगू वायरस का वाहक बनने के बाद मच्छर गर्म तापमान वाले मौसम के प्रति संवेदनशील हो जाता है। इसके अलावा मच्छरों में वायरल इन्फेक्शन रोकने वाले बैक्टीरिया बोलबचिया की सक्रियता बढ़ जाती है। इससे मच्छरों में गर्मी सहने की क्षमता कम हो जाती है। इस स्टडी में ये बात स्पष्ट तौर पर सामने आई कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि लगातार बढ़ती वैश्विक गर्मी से डेंगू बुखार सीमित हो सकता है और इसे कंट्रोल किया जा सकता है। एलिजाबेथ मैक्रो कहती है कि डेंगू बुखार एक जानलेवा बीमारी है। इसका अभी तक कोई सटीक इलाज भी नहीं है। ये जिस वायरस से होता है वह पहले एडिस एजिप्टी मच्छर को संक्रमित करता है, फिर इस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। एलिजाबेथ ने बताया कि यह मच्छर सिर्फ डेंगू ही नहीं फैलाता, यह जीका वायरस, चिकनगुनिया और पीला बुखार भी फैलाता है। जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस हिसाब से मच्छरों की आबादी में 50% की बढ़त 2050 तक होगी, जिससे लोगों में मच्छर जनित बीमारियों, वायरसों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। यानी इंसान इन छोटे मच्छरों के काटने से ही ज्यादा बीमार हो सकते हैं। पिछले कुछ सालों में शोधकर्ताओं ने एडिस एजिप्टी मच्छर के शरीर में बैक्टीरियम बोलबचिया पिपियंटिस इंजेक्ट किया। इसके बाद उन मच्छरों को बाहर छोड़ दिया। बोलबचिया की वजह से मच्छरों के शरीर में वायरस आने की आशंका कम हो जाती है। इसमें डेंगू का वायरस भी शामिल है। डेंगू का वायरस अगर मच्छर में आ जाए तो खुद को और बढ़ा नहीं पाता। बोलबचिया एक मच्छरों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी चला जाता है, यानी कि अगली पीढ़ी के मच्छर भी डेंगू वायरस से बच जाते हैं। एलिजाबेथ ने बताया कि डेंगू वायरस और बोलबचिया मच्छरों के शरीर में अलग अलग तरह के टिश्यू पर हमला करते हैं। ये जहरीले नहीं होते, इसलिए एक इम्यून स्ट्रेस रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, यानी वो एक तरह के शारीरिक दबाव में रहते हैं, और ऐसे में अगर उनके आसपास का तापमान बढ़ता है तो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, या तो मर जाते हैं या फिर एकदम सुस्त पड़ जाते हैं। एलिजाबेथ ने डेंगू और बोलबचिया से संक्रमित मच्छरों पर तापमान का असर देखने के लिए इन्हें एक सील वायल में डाला। इसके बाद वायल को 42 डिग्री सेल्सियस पर गर्म पानी में डुबोया गया। यह तापमान आमतौर पर दुनिया भर में गर्मी के मौसम में औसत तौर पर देखने को मिलता है। मच्छर इसी तापमान में रहते हैं। एलिजाबेथ की टीम ने यह जानने का प्रयास किया कि इतने तापमान में रहने के दौरान मच्छर कितनी देर में सुस्त होते हैं या फिर मर जाते हैं। एलिजाबेथ की यह स्टडी PLOS नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस जर्नल में 22 जुलाई को प्रकाशित हुई। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज डायनेमिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी के शोधकर्ता फेलो वेरिया गिलमोर ने बताया कि हमने इस स्टडी के दौरान देखा कि डेंगू से संक्रमित मच्छर अधिक तापमान में कमजोर और सुस्त हो जाते हैं। ये 3 गुना ज्यादा आलसी बन जाते हैं। जिन मच्छरों में बोलबचिया का संक्रमण था वो 4 गुना ज्यादा सुस्त हो जाते हैं। ये हिल भी नहीं पाते। यानी डेंगू और बोलबचिया से संक्रमित मच्छरों पर गर्म मौसम का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एलिजाबेथ ने कहा कि अगर कोई मच्छर डेंगू और बोलबचिया दोनों से संक्रमित है तो वो गर्म मौसम इतना ज्यादा सुस्त हो जाएगा तो उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। इतनी सुस्ती में मच्छर कभी भी उड़कर किसी को काटने नहीं जाता। रिसर्च से ये पता चला है कि वायरस से संक्रमित मच्छर थोड़ी देर के लिए भी ज्यादा तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी गर्मी सहने की क्षमता कम हो जाती है। एलिजाबेथ बताती हैं कि ज्यादा गर्मी होने पर वायरस से संक्रमित मच्छर की मौत हो जाती है।
वहीं बोलबच्चिया से संक्रमित मच्छर तो कई बार पूरी तरह से मैच्योरिटी आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। ये मच्छर हीट स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। भविष्य में गर्मी और बढ़ेगी, खतरनाक मौसम देखने को मिलेंगे, तापमान बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे में डेंगू और बोलबच्चिया से संक्रमित मच्छरों की आबादी और कम होगी या फिर ये इतने सुस्त हो जाएंगे ये किसी को काट ही न सके। एलिजाबेथ ने बताया कि कम तापमान में भी डेंगू का वायरस रेप्लिकेट करने की क्षमता खो देता है, यानी कि ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंडी में मच्छर डेंगू वायरस का संक्रमण फैलाने में अक्षम हो जाता है। लेकिन डेंगू के वायरस और बोलबच्चिया बैक्टीरियम से संक्रमित मच्छरों में गर्मी सहने की क्षमता कम हो जाती है, जो इंसानों के लिए अच्छी बात है। ज्यादा गर्मी में मच्छर पहले खुद का बचाव खोजते हैं और इसके बाद वो वायरस के संक्रमण और फैलाव को लेकर सक्रिय होते हैं। लेकिन तापमान ज्यादा होने पर वो ये सारे काम रोक कर खुद को उसके हिसाब से सुस्त कर लेते हैं, ताकि ज्यादा ऊर्जा न खत्म करनी पड़े। ज्यादा तापमान होने पर उनकी मौत हो जाती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।